कौन सा त्याग कहलाता है? आ सात्विक, बा राजसिक, सा तामसिक। में भगवान ने आत्म संयम की महिमा बताई है। ऑप्शन अष्टम अध्याय, सप्तम अध्याय अथवा षष्टम अध्याय। गीता भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। इसका भारतीय संस्कृति में सर्वप्रथम स्थान है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसके रचयिता श्री वेदव्यास जी हैं। यूं तो इस विश्व में कई सारे ग्रंथ हैं, कई सारे पुराण हैं, कई सारे शास्त्र हैं, लेकिन एक साधारण मनुष्य के लिए इन सभी शास्त्रों और ग्रंथों को पढ़ लेना संभव कार्य नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जैसे शास्त्र को जन्म दिया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि मैं रोज श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता हूँ और इसे अपने जीवन में उतारता हूँ, यही मेरे सफलता का रहस्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में ऐसी स्थिति में गीता जी का उपदेश दिया था जब वह अपने आप को असहाय पा रहा था। गीता जो है वो चमत्कारों से भरी है। सबसे पहले तो हमारी कर्म की शल्य चिकित्सा होती है, फिर दूसरी चीज है तो मन को वश में करने के लिए गीता से पढ़कर के कोई और दूसरा साधन नहीं है। हमारे जीवन में भी अनेकों द्वंद और युद्ध चलते रहते हैं। उन द्वंद्वों और युद्धों के बीच जो भगवत गीता का ज्ञान है, वो भगवत गीता का ज्ञान स्वयं हमारे अंदर प्रकट होकर एक योग रूप से हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो मार्ग देता है, वो भगवान का अवतार है।